हेलो फ्रेंड्स, सो आज मैं आपको इस वीडियो में एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप अपनी स्कॉर्पियो की लो बीम को सेट कर सकते हैं। मतलब कि आपका जो लो बीम का थ्रो है, आप उसको चाहो आगे कर लो या पीछे कर लो, मतलब कि लेफ्ट राइट का ऑप्शन आता है हेडलाइट के अंदर। सो उस ट्रिक से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी नाइट की विजिबिलिटी बिना अपने हेडलैम्प को चेंज करे भी थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हो। और अगर आप HID यूज़ कर रहे हो तो ये चीज़ तो जरूर करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो कंपनी की तरफ से लो बीम प्रोजेक्टर की सेटिंग आती है वो आती है हेलोजन बल्ब की, तो उसकी सेटिंग अलग होती है। जो HID डलती है इसकी सेटिंग अलग होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप HID और LED यूज़ करें, HID यूज़ करें या हेलोजन यूज़ करने हैं, उसके बाद भी आप कैसे अपनी लाइट की पैटर्न को चेंज कर सकते हैं। लो बीम और करता हूँ तो आप ये देख सकते हो मैंने अभी HID का सेटअप डाल रखा है। आई बटन पर मैं लिंक डाल दूंगा कि मैं अपनी गाड़ी पर कौन सा सेटअप यूज़ करता हूँ लाइट का। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको अपनी गाड़ी को किसी दीवार से 2 हाथ की दूरी पे खड़ी करना है। जैसे कि मेरी अभी ये गाड़ी 2 हाथ की दूरी पे खड़ी है। उसके बाद आपको, जैसे कि अभी कैमरे में आप देख रहे हो वो साइड का बल्ब थोड़ा सा ब्लू आ रहा है, इस साइड का थोड़ा सा ऑरेंज आ रहा है। वो इसलिए आता है फ्रेंड्स, क्योंकि जो ओजराम की HID है वो थोड़ा सा बूस्ट में टाइम लेती है इस तरफ की उस तरफ की बजाय। ठीक है, अभी आप देखो जैसे कि जो मेरे लाइट का पैटर्न आ रहा है लो बीम का, वो देखो एक लाइन बन के आ रही है, उस तरफ एक लाइन बनी है, किस तरफ लाइन बनी है। आपको करना क्या है, आपको जो ये वाला जो कर्व ऐसे उठता है इस जगह पे मार्क कर देना आपको दीवार पर, मार्कर से या चौक से आप किसी चीज़ से ही मार्क कर दो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हो इस तरफ स्विच है जिससे आप अपना लो बीम सेट कर सकते हो, और इस तरफ स्विच है जिससे आप अपना हाई बीम सेट कर सकते हो। सो लेफ्ट करोगे तो लाइट आपकी ऊपर की तरफ जाएगी, और राइट की तरफ इसे घुमाओगे, मतलब कि इसको आप क्लॉकवाइज घुमाओगे तो लाइट नीचे की तरफ जाएगी, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो लाइट ऊपर की तरफ जाएगी। ऊपर की तरफ जाएगी जिससे आपका जो बीम पैटर्न है वो और दूर तक जाएगा, आपका लाइट का थ्रो बढ़ेगा और बहुत दूर तक रोशनी आपकी फैलेगी। काफ़ी फ्रेंड मेरे दोस्तों को दिक्कत आती होगी इससे, कि अगर वो अपने HID या हेडलाइट में सेटअप चेंज कर लेते हैं हेलोजन से स्कॉर्पियो में, तो ये फोकस का दिक्कत आता है, क्योंकि तो हेलोजन का फोकस थोड़ा सा नीचे करने से भी दूर जाता है, पर HID को जितना ऊपर करोगे उतनी दूर जाएगा। अब मोंटू राइट घुमा रहा है ना तू, अभी देखो ये इसने राइट घुमाया है, तो राइट घुमाने के बाद देखो ये लाइट कितनी नीचे आ गई। एक बार और राइट घुमा, अगर आप गौर कर पाओ तो ये देखना थोड़ा थोड़ा सा इसमें मतलब कि चेंज आ रहा है, एकदम से एग्जैक्ट ऐसा मालूम पड़ेगा। हाँ देखो, रुक जाओ, तो ये देखो आप ये लाइट से कितनी दूर आ गई है, जो मार्कर था उससे ये लाइट कितनी नीचे आ गई है, और ये जो मार्कर था वो अभी भी वहीं पर है। सो मैं एक ही तरफ करके आपको बताऊंगा कि अब देखो ये हमने राइट की तरफ घुमाया है, मतलब कि हमने इसको क्लॉकवाइज घुमाया है, तो ये जो लो बीम है वो नीचे की तरफ आ गई है। अब मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज मतलब लेफ्ट की तरफ घुमाऊंगा तो ये ऊपर आएगी। सो देखो अब ये लेफ्ट की तरफ घुमा रहा है, देखना आप धीरे 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 ऊपर आएगी। आपको ये जो चीज़ करने के लिए आपको एक दोस्त की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको पैटर्न भी देखना है साथ साथ ये चीज़ घुमानी भी है। वैसे आप करने का तो अकेले भी कर सकते हो। अब आप देखो ये लाइट फिर से वहाँ पर घूम के आ गई, अगर आपने इसे एंटी क्लॉक वाइज घुमाया है। एक बार फिर इसको मैं बोलूँगा फिर एंटी क्लॉक घुमाता रहे लेफ्ट की तरफ। एक चीज़ फ्रेंड याद रखना, ये चीज़ जो चलाने वाला है उसकी हाइट पर भी डिपेंड करती है कि अगर उसकी हाइट ज़्यादा है तो उसको वो चीज़ ज़्यादा दूर रखेगा तो अच्छा पैटर्न पड़ेगा। आप देखो ये एकदम सेट हो चुकी है लाइट यहाँ पर मार्क पर। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो हाई बीम और HID का सेट लो बीम का सेटअप होता है उसमें कितना डिफरेंस होना चाहिए। अब मैंने अपनी हाई बीम ऑन कर दी है, तो आपको एक चीज़ देखना हमेशा कि आप जब भी लाइट सेट करो तो जो बीच का जो सेंटर जो ये गोल बन रहे हैं ये हाई बीम के गोल है LED के साथ, तो जो बीच से एक लाइन कटनी चाहिए वो हमेशा लो बीम कटनी चाहिए। और लो बीम का काम क्या होता है स्कॉर्पियो में, लो बीम यहाँ से थोड़ा उठा होता है, यहाँ से दबा होता है, अगेन वहाँ पे थोड़ा उठा है, यहाँ से थोड़ा सा दबा है। तो इसी चीज़ से आपको मेंटेन रखना है। अगर आप सोचो कि मैं इसको लेफ्ट की तरफ घुमाता चला जाऊँ जितनी लाइट ऊपर हो जाएगी तो उतना थ्रो बन जाएगा, तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो फॉग लैम्प से लो बीम का डिस्टेंस होता है वो फिर आपका बढ़ जाएगा। सो आपको ये चीज़ मेंटेन करके चलनी है। तो मैं फ्रेंड्स हाई बीम मोंटू को बोलूँगा बंद करने, हाई बीम बंद कर। तो ये देखो हाई बीम बंद हो गई है, तो आप देखो कि मेरी जो लाइट का मार्कर है वो यहाँ पर सेट है। आपका जो मार्कर हेलोजन का होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा इससे, क्योंकि इसको मैंने ऑलरेडी सेट कर रखा है, उस साइड का प्रॉपर सेट है, इस साइड का मैंने थोड़ा ऊपर नीचे किया था तो उससे डिफरेंस आएगा। अभी देखो मैं कैमरे बीच पे लेके आ रहा हूँ तो आप देखना एकदम बराबर से मेरा बीम पैटर्न है। एक बार मैं फिर से बोलूँगा लो बीम भी ऑफ कर दे।
तो ये देखो लो भी ऑफ हो चुकी है। अब मैं एक बार फॉग लैंप ऑन करता हूँ। फॉग लैंप ऑन करूँगा तो देखो ये जो लाइट आ रही है ये फॉग लैंप की आ रहा है, ये जो पैटर्न है फॉग लैंप का आ रहा है। फॉग लैंप का पैटर्न चेंज आप घर पे नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसके लिए आपको टायर काट मतलब स्टेयरिंग काट के नीचे से सेट करना पड़ेगा। वो चीज़ मतलब फॉग लैंप सेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी वजह से इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब मैं देखो फॉग लैंप के साथ ना लो भी ऑन करूँगा, तो ये देखो इतना डिफरेंस तो आएगा ही आएगा। अगर आपका ये चीज़ ज़्यादा हो रही है ना, तो इसका मतलब आप ये समझना कि रोड पे आपका जो डिस्टेंस हो रहा है फॉग लैम्प से लो बीम का वो ज़्यादा गैप हो जाएगा, तो वो भी आपके लिए सही नहीं है। और अब मैं एक बार फॉग लैम्प ऑफ करके हाई बीम ऑन करता हूँ, तो ये हाई बीम ऑन हो चुकी है। तो आपको हमेशा इसी चीज़ का ध्यान रखना है दिमाग पर कि आपकी जो लो बीम की लाइन है वो फॉग लैम्प हाई बीम का जो गोल बन रहा है उसको काटे। अगर आपका ये चीज़ ज़्यादा ऊपर आ रहा है लो बीम का पैटर्न, तो आपका जो पैटर्न है आपने गलत सेट कर लिया है। आपको इसी सर्कल के बीच में मेंटेन रखना है, ये एक गाइडलाइन है जिससे आप मेंटेन रख सको। अभी देखो आप ये एक स्क्वायर बन के आ रहा है, ये एकदम प्रॉपर होता है जिससे आपका लो बीम सेट है। मैंने अपनी पूरी खुद से सेट कर रखा पहले से ही। सो ये मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूँ, अगर आप हेडलाइट वगैरह सेटअप चेंज कर रहे हो तो ये चीज़ करना मस्ट है। अगर आपने ये चीज़ नहीं किया तो आपको ज़रूर दिक्कत आएगी, फिर आप बोलोगे कि भाई HID हमने लगा ली, LED लगा ली, पर वो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। आपने देखा होगा जिन कंपनियों की गाड़ी में बाई डिफ़ॉल्ट HID LEDs वगैरह लग के आती हैं, तो उसमें ये चीज़ दिक्कत नहीं आती, क्योंकि कंपनी उसकी जो हेडलैम्प होती है वो उसी तरीके से सेट होती है। अब स्कॉर्पियो में हेलोजन आता है, उसमें आप LED और HID लगा रहे हो, सो इसीलिए आपको ये चीज़ सेट करनी पड़ेगी। इस तरफ तो लो बीम का है, इस तरफ हाई बीम का है, और एक और होता है जो कॉर्निंग लैंप और जो हाई बीम को है आगे पीछे करता है, वो हेडलैम्प के पीछे की तरफ होता है। उसकी ऐसा जितनी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती हाई बीम की। और अगर आप LED यूज़ कर रहे हो हाई बीम पे, तो ज़्यादा हाई बीम का यूज़ करके रोड पे ना चला करो। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि लो बीम आप कैसे सेट कर लो जिससे आपका थ्रो बढ़िया रहे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और क्वेरी या फिर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप मेरे को कमेंट में भी बता सकते हो, वरना आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भी मैसेज करके बता सकते हो। मैं आपको चाहूँ उसमें आपको फ़ोटो भी भेज सकते हो, फोटो आप इसमें स्नैपशॉट ले लो, जिससे आपको एक बीम पैटर्न का अंदाज़ा रहेगा। सो आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी मेरी एक छोटी सी ट्रिक। सो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं आपको एक छोटी सी ट्रिक कैसी लगी। फ्यूचर में हम अपने चैनल पर इसी तरीके से स्कॉर्पियो की ट्रिक्स एंड ट्रिक्स लेके आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।